दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाबी ऐप पर कैसे लोन अप्लाई करते हैं और उसे अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों नाबी एप्लीकेशन से आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं तो अगर आपको पैसों का ज़रूरत है तो आपको कहीं नहीं जाना है आप सीधा नाबी ऐप पर लोन अप्लाई कीजिए और यहीं से लोन लीजिए ये आर रजिस्टर्ड एन है तो यहाँ पर कोई भी टेंशन भी नहीं रहेगा तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि इस पर कैसे लोन अप्लाई करते हैं और उसे अपने बैंक में भी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों नाभी एप्लीकेशन में पहले से काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गया है तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में हम सीखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले नाभी एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करना होगा इसके ओरिजिनल एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ आप वहाँ पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद ओपन करेंगे अब ओपन करते हैं तो मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट ओ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके नंबर पर चार अंक का ओ आएगा ओ को यहाँ पे डालेंगे उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे अब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होता है तो यहाँ पर इसको अलाउ करेंगे यहाँ पे जो भी परमिशन मांगता है उसको अलाउ कर देंगे यहाँ पे अपने लोकेशन को भी ऑन कर देंगे अब जैसे ही इसको परमिशन दे देते हैं तो आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर अब इसके होम स्क्रीन पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है पहले से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गया है यहाँ पर यहाँ से आप तीन तरीके का लोन ले सकते हैं पर्सनल लोन बिजनेस लोन आप यहाँ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम आज सीखेंगे कि पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं तो यहां पे आएंगे तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर ही शो करेगा गेट अप टू ट्वेंटी लाख रुपीस विथ जीरो परसेंट प्रोसेसिंग फीस के साथ जीरो परसेंट प्रोसेसिंग फीस के साथ आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं तो यहां से इस लोन को अप्लाई करने के लिए यहां गेट नाव पर क्लिक करेंगे अब गेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए बताया जाता है कि आप चार स्टेप में लोन ले सकते हैं अपना बेसिक डिटेल ऐड करेंगे वर्क डिटेल ऐड करेंगे लोन ऑफर हो जाएगा तो बैंक अकाउंट ऐड करेंगे और इसमें के करेंगे और इस पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो यहाँ पे चार स्टेप में लोन ले सकते हैं जस्ट यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे अब गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ डिटेल भरना होता है तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम भरेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा जस्ट यहाँ नेक्स्ट करेंगे अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें वर्क डिटेल ऐड करना होगा तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर भरेंगे यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप में बताएंगे अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर सैलरीड पर्सन यहाँ पर आप अपना इनकम भरेंगे मंथली इनकम उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पैन कार्ड के बेस पे यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर कितना तक का लोन मिल सकता है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है हमारा सभी डिटेल यहाँ पे चेक कर रहा है कुछ देर वेट करेंगे अब जैसे कुछ देर वेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑफ़र अप्रूव हो गया है यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनका सिविल स्कोर काफ़ी डाउन है क्योंकि वो काफ़ी जगह से लोन ले चुके हैं तब भी यहाँ पे देखिए पंद्रह हज़ार का लोन उनके लिए अप्रूव हुआ है जब आप इस एप्लीकेशन पर पहली बार अप्लाई करेंगे तो थोड़ा कम अमाउंट ही आपको दिया जाएगा लेकिन जब आप इस अमाउंट को सही समय पर वापस कर देंगे तो यहाँ पे लिमिट भी बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पे देखिए पंद्रह हज़ार का लोन अप्रूव हुआ है जो कि सिक्स मंथ के लिए है यहाँ पर ई बता रहा है कि दो हज़ार सात सौ अड़सठ रुपया होगा तो यहाँ पे सभी चीज़ें देखेंगे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर लोन का सभी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आप इस लिमिट को इनक्रीज भी कर सकते हैं इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप उसे दे करके अपने लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं तो चलिए मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो जॉब करते हैं तो उनके पास बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट कैसे देना है तो इस पर क्लिक करेंगे अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बैंक सर्च करना होगा तो इनका बैंक एच बैंक में है तो यहाँ पे मैं एच बैंक को सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओ आएगा ओ को यहाँ पर डालेंगे उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे ओ टी पी डाल के सबमिट करेंगे तो बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा इसको अप्रूव करेंगे मतलब परमिशन दे देंगे ताकि हमारे बैंक का डिटेल ये ले पाए तो अप्रूव करते हैं अब जैसे ही अप्रूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे बैंक को फैज कर लिया गया है उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया गया है यहाँ पे पहले लोन अमाउंट पंद्रह हजार रुपया था अब पंद्रह हजार रुपया फिर से इसमें बढ़ा दिया गया है तो तीस हजार रुपया यहाँ पर कर दिया गया इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया गया पहले ये ज़्यादा था अब इसमें इलेवन पॉइंट नाइन परसेंट कम कर दिया गया तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट दे करके लिमिट को बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए तीस हजार का हो गया हम कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आप अपना लोन देख सकते हैं ये लोन सिक्स मंथ के लिए है पाँच हज़ार तीन सौ छप्पन रुपया हमारा ई बनेगा चलिए इसको बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करना है तो गेट लोन ही टू मिनट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट ऐड करना होगा तो यहाँ पे बैंक का नाम आई कोड अकाउंट नंबर डालेंगे उसके बाद नेक्स्ट अब नेक्स्ट करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो गया है अब इसमें हमें ऑटो सेटअप कंप्लीट करना होगा ऑटो सेटअप का मतलब होता है कि हमारे ई का पैसा हमारे बैंक से कटता रहेगा तो इसमें एक बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि आप ऑटो पे किससे करेंगे नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग से कीजिएगा काफ़ी ईजी हो जाता है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे टर्म को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद सबमिट उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के साथ जो नंबर लिंक होगा उस पर एक ओ आएगा ओ टी डाल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑटो पे सेटअप हो जाएगा चलिए मैं ऑटो पे कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे हमारा ऑटो पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया उसके बाद यहाँ पे हमें एक सेल्फी अपलोड करना होता है यहाँ पे आप अपना एड्रेस ऐड करेंगे उसके बाद नेक्स्ट अब जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आप आ जाएंगे फाइनल स्टेप में अगर आप इस पैसे को अपने बैंक में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे उसके बाद गेट लोन पर क्लिक करेंगे अब गेट लोन पर क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुल हमारा लोन अमाउंट हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया है कई बार ये पैसा साथ के साथ भी आ जाता है और कई बार इसमें पंद्रह से तीस मिनट तक का समय भी लगता है यहाँ गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारा ई एम आई यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है हर महीने पाँच हज़ार तीन सौ छप्पन रुपया हमें पे करना होगा सिक्स मंथ तक उसके बाद कभी भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करके आप अपना ई एम आई भी देख सकते हैं यहाँ पे पाँच मिनट वेट करेंगे तो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यहाँ पे आप प्रूफ भी देख सकते हैं